असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने एक मुद्दा उठाया, असम में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी का मुद्दा। उन्होंने कहा कि असम के कई जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदलाव अलामी है, लेकिन विपक्ष हिमंता की बात को फिर हिंदू मुस्लिम और नफरत वाले नैरेटिव की ओर ले गया। बात सिर्फ असम की नहीं है, पश्चिम बंगाल समेत ऐसे कई दूसरे राज्य हैं जहां डेमोग्राफी बदलाव की बातें कही जाती रही हैं। इसी बहस का एक हिस्सा जनसंख्या नियंत्रण नीति या कानून से भी जुड़ता है, जिसकी बात बीजेपी हमेशा से कहती रही है, लेकिन विपक्ष और कट्टरपंथी जमातों को जनसंख्या कानून वाली चर्चाओं से भी दिक्कत है। सवाल यह कि आखिर डेमोग्राफी चेंज या जनसंख्या नीति के मुद्दे पर विपक्ष इतना बेचैन क्यों हो जाता है? ये रिपोर्ट आप देखिए। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। चार बेगम और 36 बच्चा हो, ये चिंता का विषय है। ये जो है प्लोराइज करना चाहते हैं और कोई वजह कोई बात नहीं है। आपको कोई रूल लाना है तो आप मुसलमानों की बात क्यों करते हो? आप चेक करो कि योगी जी के कितने बच्चे हैं, चेक करो जाके, जाओ लालू जी के कितने बच्चे हैं, कितने नेता हैं उनके, 8-9 बच्चे हैं, आप मुसलमान का नाम क्यों लेते हो? अपनारा बोलेछेन सबका साथ सबका विकास, आर बोलबो ना, बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ। ये पूरा आउट ऑफ डिप्रेशन एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये जो लगातार डिफीट चल रहा है भाजपा को, শতাংশ কই মুসলিম বাড়ি আছে, 21-22 লাখ, 31-41, 22 লাখ, দেন দে বিকাম মেজরিটি। एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार है जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने असम की तेजी से बदलती डेमोग्राफी को लेकर गंभीर भविष्यवाणी की है। तो क्या सोचने और विचार करने की जरूरत है? बात सिर्फ असम तक की नहीं है, कई राज्यों में तेजी से बदलती डेमोग्राफी अलार्म बजा रही है। डेमोग्राफी चेंज का यह मुद्दा सयास है, अनायास है या बकवास है, इस पर विचार करना तो होगा। माने या न माने, लेकिन अगर देश के सामने एक बड़ा संकट बढ़ती जनसंख्या का है तो दूसरा बड़ा गंभीर संकट है कई राज्यों में तेजी से बदलती डेमोग्राफी का। असम में ये बदलाव अलार्म बजा रहा है। 1951 की जनगणना में असम में मुस्लिम आबादी 12% थी, जो आज 3 गुने से भी ज्यादा हो चुकी है। क्या ये बदलाव अनायास हो रहे हैं? असम की तेजी से बदलती जनसांख्यिकी खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य के लिए एक गंभीर समस्या है। खुद हिमंता बिश्व शर्मा कह चुके हैं कि अब बात जीने मरने तक पहुंच चुकी है। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। कैसा लाइफ एंड डेथ है बताइए, शर्म आनी चाहिए उनको। अगर 40% मुसलमान है तो लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए, लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए। किससे खतरा है आपको देश को, आप बताना चाह रहे 40% से खतरा है आपको? कितना झूठ बोलेंगे, कितना नफरत करेंगे, यानी नफरत की इंतहा कर दे रहे, डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा कर दे रहे आप। 40% अगर तो क्या लाइफ एंड डेथ का मैटर है बताओ? तुम हार गए लोकसभा के तो लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया। भारत में 14% मुसलमान का, लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये? कश्मीर में मेजोरिटी में है तो आप लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये? क्या मैसेज दे रहे आप पूरे माइनॉरिटीज को और पूरे इंडिया को, क्या मैसेज दे रहे आप? वैसी ही नहीं, पूरे विपक्ष के लिए असम की तेजी से बदलती डेमोग्राफी कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि मुद्दा वोट बैंक का है। तेजी से हाथों से निकलते असम के जिले, जैसा कि असम के मुख्यमंत्री कहते हैं, क्या किसी गहरी साजिश का इशारा कर रहे हैं? और क्या ऐसे डेमोग्राफिक बदलाव सिर्फ असम तक में ही हैं? तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी का सिम्टम कहां-कहां फैला दिख रहा है,
सबसे गंभीर है विपक्षी दलों की ऐसे गंभीर मामले में दम साध चुप्पी। सच ये है कि असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना के हैदराबाद में बदलती डेमोग्राफी चिंता का विषय है, क्योंकि राजनीतिक नजरिए से भी डेमोग्राफी में बदलाव बड़े उलटफेर का मादा रखता है। यही वजह है कि जनसंख्या बदलाव को जनसंख्या विस्फोट का साइड इफेक्ट न मानकर इसे जनसंख्या का सोचा समझा कंट्रोल्ड विस्फोट कहा जा सकता है। 30% कोई मुस्लिम बाकी आसे 1,40,00,000 मुसलमान आसे 2011 30% বাহিলে কিমান হল নেক্সট 30% বাহিলে কিমান হল হিন্দু বাহিছে 16%। গতিকে 2011 পৰা 21 22,00,000 বাহিলে 21 পৰা 31 22,00,000 31 পৰা 41 22,00,000 দেন দে বিকাম মেজৰিটি। अब जरा असम का हाल समझिए, क्यों हेमंता बिस्वा सरमा आगाह कर रहे हैं कि अगर नहीं चेता गया तो असम में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये भी समझना जरूरी है कि क्यों असम में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी खतरे की घंटी बजा रही है। पिछले साल अप्रैल में गुवाहाटी हाई कोर्ट में केंद्र की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार देव चौधरी ने यह दावा किया था कि जनसंख्या के आंकड़ों से साफ है कि वर्ष 1951 से ही असम में मुसलमानों की आबादी अस्वाभाविक रूप से बढ़ रही है। ये स्वाभाविक वृद्धि नहीं है, बल्कि सीमा पार से लोगों के आने के कारण ऐसा हो रहा है। सीमा पार से आते ही ये लोग संरक्षित इलाकों में शरण लेते हैं। देश के इस हिस्से को काट कर दूसरे देश के साथ जोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उनको थोड़ा अमनीजा हुआ है, आज बोल रहे हैं कि खतरा है। 2 महीने पहले वो ढिंग में 80% माइनॉरिटी डोमिनेट इलाके में नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, वोट मांग रहे थे। तो जब बीजेपी के लिए वोट मांगना होता है तब उनको खतरा नहीं दिखाई देता, अब उनको खतरा दिखाई दे रहा है। राजनीतिक बहसबाजी अपनी जगह, लेकिन गौरव गोगोई भी 80% वाले असम के मुस्लिम बहुल इलाके का जिक्र करते हैं। रही बात खतरे की, तो खतरा अभी का नहीं आगे का है, क्योंकि डेमोग्राफी में बदलाव देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी असर डाल सकता है। सवाल तो उठ रहे हैं कि क्या असम 2041 तक मुस्लिम बहुल राज्य हो जाएगा? यूपी में 20 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स अगले 2 दशक में निर्णायक हो जाएंगे। अगले 20 सालों में बिहार में 10 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हो जाएंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में क्या फर्क आने वाला है? 2001 में ही निचले असम के लगभग 6 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके थे। 10 साल बाद यानी सन 2011 में इन जिलों की संख्या और लगातार बढ़ती चली गई। निचले और मध्य असम में आबादी का असंतुलन जब होता दिखा तो ये बहस और भी ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में लगभग 45 विधानसभा सीटों पर जो निर्णय था वो मुस्लिम वोटरों के हाथों में चला गया था। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बल्कि बदलती डेमोग्राफी से लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मुश्त वोटों से चलने वाली एक तरफा लहर की है, जिसमें हिंदू अधिकारों की बात करने वाले किसी भी दल या व्यक्ति के सत्ता में आने की संभावना न्यूनतम की जा सकती है। तुष्टिकरण के खेल को बड़े शातिर तरीके से हवा दी जा सकती है। 2011 तक असम में 9 जिले बारपेटा, करीमगंज, दारंग, मोरीगांव, नौगांव, बोगाईगांव, धुबरी, हैलाकांडी और गोलपारा मुस्लिम बाहुल्य बन चुके थे। इन जिलों में मुस्लिम आबादी 50-80% मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धुबरी जिले में मुस्लिम जनसंख्या करीब 80% है, जबकि बारपेटा में करीब 71%। दारंग और हैलाकांडी में भी 60% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। 9 जिलों के अलावा कामरूप, कछार और नलबाड़ी में भी मुसलमानों की आबादी करीब 40% आंकी गई है। हालांकि इन आंकड़ों के बरक्स असम में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी और डेमोग्राफी में बदलाव के हेमंता के दावे को कांग्रेस हवाबाजी बताती है। हवाबाजी की बयानबाजियां हैं,
जहाँ तक माने जो रेशियो हिंदुस्तान का है मुसलमानों का और हिंदुओं का, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान ज़्यादा तेजी से उनकी जनसंख्या बढ़ रही हो, हिंदू की न बढ़ रही हो। ये एक माने भ्रम फैलाने के लिए पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान 3 शादी कर सकता है, मुसलमान 12 बच्चे पैदा कर सकता है, ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सच की ये अनदेखी इसलिए है क्योंकि बात वोट बैंक की है? मुसलमानों की बढ़ती आबादी का सीधा फायदा कथित सेकुलरिज्म के नाम पर इकट्ठा हुई पार्टियों को मिलता दिखता है। चाहे असम हो या पश्चिम बंगाल, दोनों का हाल करीब करीब एक जैसा है। खास बात यह है कि ये दोनों ही सीमावर्ती राज्य हैं। असम और पश्चिम बंगाल के भीतर मुस्लिम जनसंख्या में 1951 से 2011 के बीच हुई बढ़ोतरी को जरा देखिए। असम में जहां इस दौरान 24% से 34% की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी 19 से 27% की थी। अब सवाल ये उठ सकता है कि ऐसे बदलावों से भला क्या हो? कुछ लोग मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी के आंकड़ों को अनायास या कोरी बकवास कहते खारिज कर सकते, लेकिन इस सच को पहचानना होगा कि वोट बैंक वाली राजनीति का खेल सबका साथ सबका विकास जैसे नारे के विरुद्ध रहा है। तो क्या यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को ये कहना पड़ा? हमियो बोले राष्ट्रवादी मुस्लिम, अपनारा बोले सबका साथ सबका विकास, आर बोलबो ना, बोलबो जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ जो हमारी साथ जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास, बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। जब जब देश में जनसंख्या नियंत्रण यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, कट्टरपंथी जमातें आस्तीन चढ़ाकर खड़ी हो जाती हैं। पर्सनल लॉ के अंधेरगर्दी को कई बार संविधान के ऊपर दिखाने जताने की कोशिश हुई है। ये जो है पोलराइज करना चाहते हैं और कोई वजह कोई बात नहीं है। आपको कोई रूल लाना है तो आप मुसलमानों की बात क्यों करते हो? आप चेक करो कि योगी जी के कितने बच्चे हैं, चेक करो जाके जाओ, लालू जी कितने बच्चे हैं, कितने नेता हैं उनके, 8-9 बच्चे हैं, आप मुसलमान का नाम क्यों लेते हो? और आप जबरदस्ती जो है आबादी पे कंट्रोल करेंगे तो फिर हालत वही होगी कि जापान रो रहा है आज कि हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन सब बूढ़ी हो गई, जवान लड़के है ही नहीं है, तो कह रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि हमारी प्रॉपर्टी पर हमारी इकनॉमी पर दूसरों का कब्जा ना होने पाए। चाइना ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात शुरू कर दिया। आप इंग्लैंड में जाइए, आप देखिए वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी कंट्रोल बर्थ कंट्रोल था, वहाँ भी लोग परेशान हो गए आज। समाजवादियों का समाज विज्ञान सांख्यिकी में ऐसे ही उलझ कर गिरता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके वोट बैंक पर ऐसी बातों का करारा और सकारात्मक असर होता है। फैक्ट ये है कि भारत मुस्लिम आबादी के मामले में दुनिया में 3rd नंबर पर है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2050 तक भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 40% यानी 10 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ के पार हो जाएगी। जनसंख्या नीति और कानून को लाने को लेकर राज्य सरकारें गंभीर हो रही हैं, लेकिन दिक्कत है राजनीति में फंसे खुरपेच की। पिछले दिनों राजस्थान में भी इस मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई जब विधायक बालमुकुंद आचार्य ने जनसंख्या नीति को लेकर विधेयक लाने की अपनी बात रखी। ये समस्या सभी के लिए है, जिस कदर संख्या बढ़ रही है और बैलेंस बिगड़ रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें पक्षों की विपक्ष, मैं सभी से निवेदन करूंगा, भले वो यूनुस खान जी हो, भले वो अमीन कागजी हो, भले वो हमारे अन्य कितने भी विधायक इधर के कि उधर के हों, इन सबको ध्यान देने की आवश्यकता है कि बहुसंख्य समाज एक वर्ग एक पत्नी व्रत धारण करके और जनसंख्या का भी ध्यान रखता है, या तो हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, और एक तरफ एक विशेष वर्ग ये ध्यान देता है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो, ये चिंता का विषय है। 2014 से पहले तक मुस्लिम वोटर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता रहा है। ये बातें साफ तौर पर कही जाती रही हैं कि मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा उधर की ओर शिफ्ट होता रहा है जो बीजेपी को हराए, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लाइन पर चलती रही है।
करीब एक दशक के अंतराल के बाद 2024 के चुनाव में भी यही पैटर्न देखने को मिला। 2014 से 2024 के बीच सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी मुस्लिम वोट पिछले तीन चुनावों से ज्यादातर बीजेपी के विरोध में गया है। 2014 में 45% मुस्लिम वोट कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को मिला, जबकि एनडीए को महज 9% वोट। इसी तरह का पैटर्न 2019 में भी देखा, वोट प्रतिशत एकदम वैसा का वैसा ही रहा। 2024 में तो मुस्लिम वोटर्स ने दिल खोलकर एनडीए गठबंधन को वोट किया, जबकि एनडीए को 10% मुस्लिम वोट ही मिल सका। अगर 2024 के चुनावों की तुलना 2019 से करते हुए बीजेपी का आंकड़ा देखें और कांग्रेस और उनके सहयोगियों को मिले मुस्लिम वोट का आंकड़ा देखें, तो बीजेपी को 9%, कांग्रेस को 33% और कांग्रेस के सहयोगियों को 12% मुस्लिम वोट मिले। बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि 2024 में मुसलमानों ने तमाम लाभार्थी योजनाओं का लाभ उठाने के बावजूद 8% वोट ही बीजेपी को दिया। कांग्रेस को पहले के मुकाबले 5% से ज्यादा यानी 38% और कांग्रेस के सहयोगी दलों को 27% यानी 2019 की तुलना में 15% ज्यादा मुस्लिम वोट मिले। आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है यूपी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19% है। बीजेपी को इस बार उम्मीद थी कि लाभार्थी वर्ग का वोट उसे मिलेगा और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो मुस्लिम वर्ग का होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वर्ग का लगभग जो पूरा वोट था वो इंडी गठबंधन को गया। लेकिन बात वोट की नहीं है, बात उस बदलती डेमोग्राफी की है जो बड़े धीमे तरीके से राजनीति को तुष्टिकरण वाली धारा के पक्ष में घुमा देने का मादा रखती है। जरा यूपी की डेमोग्राफी को भी देखिए। यूपी में 1951 में मुस्लिम आबादी 14.28% थी, 1971 में 15.48% हो गई, जो 2001 में बढ़कर 18.50% हुई और 2011 में 19.26%। यूपी में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली लोकसभा की 30 सीटें आती हैं। करीब 6 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 30-70% के बीच में है, चाहे असम हो या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो या हैदराबाद। डेमोग्राफी बदलाव या बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा अब बहस का मुद्दा बन चुका है। ये एक तरफ एक 5 परिवार है जो बाकी के मजहब से हैं और गरीब परिवार है, एक परिवार में 2-2 बच्चे हैं। दूसरी तरफ मुसलमान परिवार गरीब पसमंदा परिवार है जिसके अंदर 10 बच्चे हैं। अगर देश का मेहनत का पैसा एक 5 परिवारों में आप बांटेंगे या मेहनत उनको देंगे तो 5 घर में से 10 लोग बाहर निकलेंगे उन्नति कर और देश का आधार बनकर। अगर यही एक घर में आप डालेंगे जिनके परिवार में 10 बच्चे हैं, तब आप बताइए न्याय कर रहे हैं आप इसका अन्याय कर रहे हैं। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम आबादी है। महाआघाड़ी ने एक मुश्त पड़े मुस्लिम वोट के भरोसे शानदार प्रदर्शन यहां पर 2024 के चुनावों में किया। खास बात यह है कि हिंदुत्व की लाइन से किनारा करने का फायदा शिवसेना उद्धव गुट को भी मिला। आंकड़े बताते हैं कि भायखला, मुंबा देवी, मानखुर्द, शिवाजी नगर, अणुशक्ति नगर, कुरला, चांदीवली, घाटकोपर पश्चिम, मलाड और मालवड़ी जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स ने उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को वोट दिया था। महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसी कई सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में गए हैं। एक तरफ जहां हिंदू वोट जातियों में बढ़ जाता है तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर एक तरफा गिरता है। जाहिर सी बात है कि किसी भी इलाके में डेमोग्राफी बदलाव चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।